हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो मैं वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आईफोन XR से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका ट्यूटोरियल बताऊँ कि मैंने ये कैसे इसको जो बैक साइड पे आपको ब्लर दिख रहा होगा ये मैंने कैसे करा है, तो इसका अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं आपको इसका ट्यूटोरियल जो है वो बता दूंगा। और जो हम आज काम करने जा रहे हैं ये मैंने माइक लिया था, ये लिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पुराना माइक है। मैंने अनबॉक्स करके इसको ऐसे रख दिया था। अपना मैकबुक एयर लिया है, इसके साथ ये अटैच हो जाता है, और जो ओडेसिटी सॉफ्टवेयर तो उसके साथ उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं। हालांकि मैंने पहले ओपन करके देख लिया हुआ है, तो बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे ये सारा सामान, तो आज मुझे दिखा है तो मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ, और मुझे एक चीज़ पता भी लग गई कि ये चलता भी है। तो चलो बिना किसी देरी के इसको करते हैं हम ओपन और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये रहा हमारा पाउच, तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या है। माइक है, और इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑफ जो है वो स्मार्टफोन के लिए, इसको ऑन कर देते हैं तो जैसे DSLR वगैरह होता है ना उनमें ये काम करता है, तो ऑफ ही रहने देते हैं, वैसे इसमें जो है बैटरी ढलती है। और इसे ओपन करके ये कुछ ऐसा है, और इस साइड में इसकी बैटरी पड़ती है, और ये मेटल बॉडी है, आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। तो इसको हम बंद करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो जल्दी से हम इसको अभी अपने लैपटॉप के साथ इसको अटैच कर लेते हैं, और जो अपना ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर उसको ओपन कर लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी इसको प्लग इन करा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे शो नहीं हो रहा। इसको मैं निकाल के, इसको पहले मैंने करना है बंद, इसको पूरा ही बंद करना है, क्विट कर दो एप्लीकेशन को। तो उसके बाद इसको मैं लगाता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो अभी जो है हमने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ये आ गया एक्सटर्नल माइक। तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे आपको इसकी क्वालिटी जो है वो आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस, मैंने माइक जो है यहाँ पे लगा लिया है, तो अभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो चलो, तो गाइस ये जो है अभी जो साउंड आप सुन रहे हो ये भी इसी से रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको आप देख सकते हो कि मैंने इसमें रिकॉर्ड करी है, तो आपको एक साउंड का आइडिया हो गया होगा कि इसमें साउंड आपकी कैसे रिकॉर्ड होती है। तो बाकी आपको मैं थोड़ा सा इसका एडिटिंग का बता देता हूँ कि अगर आप इसमें साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको आप कैसे एक अच्छी क्वालिटी में सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये रिकॉर्ड करा है, तो इसमें थोड़े से मैंने पॉज लिए हुए हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला ले लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स में जाके यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा नॉइस रिडक्शन, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया गेट नॉइस प्रोफाइल, तो इसको हम सेलेक्ट ऑल करके इसमें इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर उसी चीज़ में जाएंगे नॉइस रिडक्शन में। तो जैसे ये चीज़ आ गई, इसको हमने कर देना ओके। तो जैसे आप देख सकते हो ये सारा इसमें वो नॉइस जो थी वो हट गई है। तो जैसे आप वीडियो प्ले करोगे तो आपको जो है वो जो बिना नॉइस वाली वीडियो है आपको वो शो होगी। तो मैं इसको अभी प्ले करके आपको बता देता हूँ। हेलो गाइस, तो ये जो साउंड है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्सटर्नल माइक से जो मैंने अभी अनबॉक्स करा है, तो आपको इसके आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसी ये साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। और आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी लगी है। तो अभी मैं बिना किसी एडिटिंग के ये इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये आवाज़ कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो कि जैसे ये अभी मैं आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ऐसे इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसका मैं एक ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहते हो। तो इसमें वो
नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं वो ट्यूटोरियल डाल दूंगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। Fucker in a Benz, yeah.